और ये बुक है सी टी ऑफलाइन मॉक टेस्ट के लिए, जिसमें 25 क्वेश्चन पेपर है मेरे पास हैं जिनकी प्रैक्टिस मैं डेली करता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नो वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी है जो बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के भी दिन रह गए हैं, लगभग 20-25 दिन रह गए हैं, और एग्जाम डेट का जो नोटिस है वो भी इस वीक में आने के पूरे चांस है। सो डीमोटिवेशन तो बिल्कुल अपने पास आने मत देना, बिल्कुल अच्छे तरीके से। और इस वीक स्पेशली जो टाइम टेबल है, शेड्यूल है, वो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है कि क्या कुछ करने वाले हैं, उसको अच्छे तरीके से हम फॉलो करने वाले हैं। इसके अलावा मेरे पास काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि आपके पास कोई जो भी बुक है आप फॉलो करते हैं उनके बारे में बता दीजिए, तो इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बताऊंगा। हालांकि भी घर हूँ, लाइब्रेरी जाऊँगा और वहाँ तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी बताने की कोशिश करूँगा कि मेरे पास कौन कौन सी बुक है। तो जुड़ रही एंड तक और देखते रहिए वीडियो को। और पूरा आप देख रहे हैं कि बारिश का कैसा मौसम बना हुआ है। हम थोड़ी देर में जाएंगे लाइब्रेरी में, क्योंकि फिर बारिश आने वाली है, फिर जा नहीं पाएंगे। पहुंच गए भाई, बारिश आने दे रही है तेज, दमा बरस दमा आया यार, भीज गए सारे। तो मेरे पास जो बुक्स हैं उनका और जो मैंने कॉपी में नोट्स लिखे हुए हैं उनका कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले जो मेरी कॉपी है जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिखे हुए हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मुझे लगते हैं कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं, वो क्वेश्चन इस कॉपी में मैंने लिखे हुए हैं। इसके अलावा अभी रिविज़न के साथ साथ में आज का जो रिविज़न करना है वो करूँगा हिंदी का। तो सबसे पहले यदि बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश की मेरे पास है ए मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये बुक है। इसके अलावा मेरे पास नीतू मैम वाली बुक भी है जो मुझे लाइब्रेरी में मिल जाती है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के पास वही रहती है तो वहाँ से उसको पढ़ लेता हूँ। इस बुक में क्या दिया हुआ, जैसे कोई भी हमारा चैप्टर है, जैसे आर्टिकल आप लगा लीजिए, आर्टिकल के पहले इसमें रूल बताए हुए हैं क्या क्या कंडीशन है, कहाँ ए एंड द का इस्तेमाल होगा, ठीक है। और उसके बाद एरर की फॉर्म में ही, एरर मतलब आर्टिकल बेस्ड एरर वाले क्वेश्चन मैक्सिमम इसमें दिए हुए हैं, क्योंकि बुक का नाम ही क्या है, मिरर ऑफ कॉमन एरर है। उसके बाद फिर इनका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे तरीके से बताया हुआ है। तो ये बुक मुझे अच्छी लगी, क्योंकि पहले भी भाई ने भी यही पढ़ी थी तो मैंने ये रख ली थी, तो इसमें प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। उसके बाद हिंदी के लिए मेरे पास है ल्यूसेंट की सामान्य हिंदी वाली बुक है, जो सामान्य ज्ञान है ना ल्यूसेंट का, उसी टाइप की ये बुक है। और इसमें जो मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर दिए हुए हैं हमारे सीटी के सिलेबस में, उसको टिक मार्क किया हुआ है, और उसके साथ ही जो कुछ मतलब इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ लेते हैं डेली, जो हमारा टाइम टेबल है शेड्यूल का वीकली, उसके अकॉर्डिंग डेली दो या तीन मतलब वीक में दो या तीन चैप्टर हम करते हैं। जीएस के लिए तो आप जानते ही हैं सभी बच्चों के पास होती है ल्यूसेंट की बुक, और काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें से मतलब क्वेश्चन बन जाते हैं हर एग्ज़ाम में। तो ये भी मैंने शुरुआत में मैंने क्या किया था, मतलब जो क्वेश्चन पीछे आए हुए थे उनको पढ़ा, लेकिन बाद में कई बार क्या आता है कि एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो इसके लिए मैंने इस बुक को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है दो तीन बार, और फिर इसका मतलब कॉपी में नोट्स बनाए हैं, जो हिस्ट्री है और जो इकोनॉमिक्स है उनके, पॉलिटी है, ठीक है, तो उन नोट्स के साथ और साथ में ये बुक दोनों के साथ में जीएस का पोर्शन कवर करता हूँ। और मैथ के लिए प्रैक्टिस के लिए ले रखी है जो आरएस अग्रवाल की है, ये बुक है, हिंदी मीडियम में है। इसमें भी मैंने मतलब चैप्टर लगभग मैं सारे कर चुका हूँ एक दो बार, तो और आज जो मैं प्रैक्टिस करने वाला हूँ नंबर सिस्टम की, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन जाते हैं एग्ज़ाम में, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उनमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस में भी करने वाला हूँ। तो जो बुक खोली ली है तो चलिए प्रैक्टिस भी मैं इसकी करता हूँ। मैथ के लिए आप कोई भी बुक फॉलो करें, मेन क्या है कि प्रैक्टिस आप कितनी करते हैं, आप चाहे हिंदी मीडियम में लें, इंग्लिश मीडियम में लें, चाहे कोई सी बुक ले लें, आप पे डिपेंड करता है आप दिन में कितना टाइम मैथ को देते हैं, उसके हिसाब से आपको मैथ आएगा। सो डेली प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हर उसके निकालिए टॉपिक के, मतलब एक टॉपिक डेली का अपना टाइम टेबल में ऐड कर लें आप। और बुक के साथ साथ जो मेरे पास कॉपी हैं, काफ़ी कॉपी में हैं मेरे पास जिनमें नोट्स मैंने लिखे हुए हैं, तो वो भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। मतलब इनका डेली मैं रिवाइज करता हूँ ना, जब टेलीग्राम पे बताता हूँ कि मैं रिविज़न कर रहा हूँ, तो इन्हीं कॉपी का रिविज़न करता हूँ कि इसमें क्या लिखा है, चाहे मेरे पास इनमें कोई भी फार्मूला या मैथ के क्वेश्चन भी मैंने बीच में लिखे हुए हैं, कई बार हिंदी के आ जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं कॉपी में लिखता हूँ। इसके अलावा सीटी की मॉक टेस्ट के लिए मेरे पास ये बुक है अरियंत की, जिसमें 25 प्रैक्टिस सेट आपको दिए गए हैं। अब इसके मैंने 9 क्वेश्चन पेपर किए हुए हैं, मतलब डेली कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन चलता रहता है ऐसे, ठीक है। उसके बाद यदि बात करूँ मैं और बुक्स जो मेरे पास रखी हैं, ये मैथ आपने देख ही लिया,
आर एस अग्रवाल का है, और इसके अलावा एंड एक्स्ट्रा बुक काफ़ी रखी है लाइब्रेरी में, क्योंकि कोई कई बच्चे क्या होते हैं यहाँ से उठा के ले जाते हैं, कोई रख के यहाँ चला जाता है। तो इसके अलावा एक लाइब्रेरी में मेरे पास मैप की बुक है, ये यहीं लाइब्रेरी में मिल गई थी, इसको भी कई बार जब ज़रूरत पड़ती है तो देख लेते हैं। और ये मेरे पास है एस ए लेटर की, जो मैंने भी एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए ली थी, लेकिन अब इसको फॉलो करने लगा हूँ क्योंकि इंग्लिश पढ़ने में काफ़ी स्टोरीज में लिखी हुई हैं, तो एक तो इंग्लिश का रिविजन हो जाता है और कुछ इंग्लिश की स्टडी हो जाती है। इसके अलावा ये ल्यूसेंट के सामान्य ज्ञान के विजय लेके आया था ये, इसको भी कई बार हम देखते रहते हैं। बाकी ये मेरे पास कॉपी रखी हैं जिनमें नोट्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, इंग्लिश के, साइंस के। ये बुक है मेरे पास करंट अफेयर की, इसमें हरियाणा करंट अफेयर और इंडिया करंट अफेयर दोनों मैंने लिखे हुए हैं। इसके अलावा कंप्यूटर की आप जानते हैं, कंप्यूटर के मेरे पास अरिहंत की है, हरियाणा जीके के लिए जो अरिहंत की है, और एक बुक ये है जिसमें 100 प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट है, इनको मैं कर चुका हूँ। और जो साइंस है वो मैंने इंटरनेट से की है और किसी दोस्त से नोट्स लिए हैं, क्योंकि ल्यूसेंट वाली साइंस समझ में नहीं आती। तो आई थिंक सभी सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या क्या मैं पढ़ता हूँ, कहाँ से पढ़ता हूँ। और देखिए, मैं बुक के साथ साथ जो मुझे समझ में नहीं आता उसको फिर मैं यूट्यूब पर भी देख लेता हूँ। जैसे मैथ का कोई ऐसा तरीका है जो समझ में ना आए तो उसको यूट्यूब पे देखना पड़ता है। इसके अलावा स्पीडी की ये बुक है, इसका भी डेली एक चैप्टर, मतलब 2-3 पेज होते हैं चैप्टर वाइज, उनका मैं रिवीजन कर लेता हूँ। तो बाकी ऐसी बुक यहाँ रखी हुई हैं, तो जो भी आपको और पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं। सो आई थिंक मैंने सभी हरियाणा जीके बता दिया, इंग्लिश बता दिया, मैथ बता दिया, हिंदी बता दिया, जीएस का कोर्स बता दिया, कंप्यूटर बता दिया। तो इसके अलावा जो कुछ भी रह गया हो वो आप मेरे से टेलीग्राम पे या फिर यहीं यूट्यूब पे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और स्पेशली मॉक टेस्ट देने की आप डेली कोशिश करें, अभी अभी मतलब ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। मेन तो क्या है कि हमें प्रैक्टिस करनी है। सो यही मेरे पास बुक हैं, ज़्यादा हाई लेवल का मैं लेकर नहीं चल रहा, क्योंकि सीटी का एग्ज़ाम देना है और कुछ बच्चे मुझे मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट लगा रहे हैं कि मैं सीजल टाइप की तैयारी कर रहा हूँ। देखिए, एग्ज़ाम में सभी देता हूँ, लेकिन मेरा फोकस अभी ओनली सीटी पे है और इसके अकॉर्डिंग भी मैं चल रहा हूँ। ऐसा कोई बात नहीं है कि सीजीएल का करना है वो करना है, जो मेरे पास बुक है उनको अच्छे से करें और रिवीजन करते रहें। सो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।